प्रिय बच्चों, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आज है ना आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, ये पहले घन घनाभ के जो प्रॉब्लम है आपकी, जो क्वेश्चन है 13.1 एक्सरसाइज के, वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो धीमे धीमे बताऊँगा, सब समझ में आ जाएगा। अच्छी तरह से देखो, देखो ये उदाहरण दो है ना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक घन के आकार की टंकी है, ठीक है, जिसकी एक कोर दे रखी है 1.5 मीटर। और वो ये कह रहा है इस टंकी के तल को छोड़कर बाकी के टंकी के चारों तरफ और ऊपर हमें है ना टेल्स लगाने हैं। ठीक है, तो टेल्स का जो रेट दे रखा है एक दर्जन के 360 रुपये हैं, तो कुल कितनी टेल्स लगेंगी पहले ये निकालना है हमें। तो टेल्स की संख्या करेंगे तो यहाँ देखो टाइल्स की संख्या किसके बराबर होगी, टाइल्स की संख्या बराबर होगी जिस टंकी के जिस पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल टंकी का बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, ऐसे समझ लो ये है। अब आप ये देखिए टंकी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो नीचे जो आधार है ना आधार पे तो नहीं लगा रहे। अब वो टंकी जो घन के आकार की होती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² अब 6a² होता है आधार पे लगा नहीं रहे, पूरे टंकी का जो घन होता है ना उसके पृष्ठ होते हैं 6, ठीक है, और प्रत्येक पृष्ठ a² के बराबर होता है, तो तभी तो 6a² होता है, तो उसमें से आधार पर लगा नहीं रहे तो 1a² कम हो जाएगा, तो 5a² आएगा टंकी के क्षेत्र जिस पर टाइल लगा रहे हैं। तो ये तो 5a² है, और टंकी और टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा, टाइल की भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ देखिए 5, और टंकी जो टंकी का जो भुजा है ये है 1.5 मीटर और टाइल की भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, जब तक इकाई एक जैसी नहीं होती है कहीं मान नहीं लगा सकते। तो ये इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो टंकी की कोर है ये, टंकी की कोर बराबर ये है हमारे पास इसमें 1.5 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे 150 सेंटीमीटर, ये टंकी की कोर है, ये ए का मान है ये। तो यहाँ देखिए ये 150 × 150 बटे भुजा कितनी है, टाइल की भुजा है हमारे पास 25 सेंटीमीटर ये, और ये लगा रहे हैं तो यहाँ देखो 25 × 25, तो ये क्या आएगा, टाइल्स कितनी लगेंगी वो आएगा। तो यहाँ 25 × 150 छः, और ये भी 6 × 36, तो यहाँ पे 5 और 36 का गुणा कर लो तो 5 × 30 हासिल 3 × 15 × 3 = 18, तो 180 टाइल्स लगेंगी इसमें। टंकी के चारों तरफ तल को छोड़कर 180 टाइल्स लगेंगी। अब वो यहाँ कह रहा है हमारे पास एक दर्जन टेल्स के रेट कितने हैं 360 रुपये, तो 12 टाइल की कीमत है हमारे पास कितनी 360 रुपये, तो 180 की निकालनी है तो एक की निकालो, एक टाइल्स की कीमत होगी 360 × 12, और कितने की निकालनी है 180, तो 180 टाइल्स की कीमत निकालेंगे तो ये आएगा 180 × 360 × 12, तो 12 × 36 = 30 ये आया, और 18 × 54 = 54, तो ये आएगा 54, और 10 और 20
तो 5,400 रुपये लगेंगे। इतने रुपए में टंकी के पांचों साइड तल को छोड़कर इतने रुपए में टाइल्स लगेंगी। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया, एक बार फिर देख लो। वो ये कह रहा है एक टंकी है घन के आकार की। घन क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। घन के आकार की एक टंकी है, उसके तल है ना, तल तल पे टाइल्स नहीं लगा रहे क्योंकि वो तो जमीन से लगा हुआ है, उसके चारों तरफ लगा रहे हैं, चारों तरफ और एक ऊपर, तो पांच तरफ लगा रहे हैं। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो पांच पृष्ठ पे लगा रहे हैं तो 5a² होगा। ठीक है, टंकी पर जहां पे टाइल्स लगा रहे हैं वो 5a² जगह है, और एक टाइल्स है ना उसका क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा, क्योंकि टाइल्स वर्गाकार है। तो यहाँ 5 और a का मान कितना है, 150, तो 150 गुणा 150 और भुजा, ये टाइल्स की भुजा है 25, तो 25 गुणा 25, तो 25 से इसको 6 बार काटा, इसको भी 6 बार काटा, ये और ये 36 हो गए, और 5 का गुणा तो 180 आया, 180 टाइल्स लगेंगी। अब वो कह रहा है 12 टाइल्स की कीमत है ना वो 360 है, तो 180 टाइल्स की कीमत क्या होगी, तो 12 की 360, तो 1 की होगी 360 बटे 12, और 180 की होगी तो 180 गुणा 360 बटे 12, 12 से इसको काटा, 12 की 36 30, और 180 और 30 का गुणा करेंगे तो 5400 रुपये आएगा। 5400 रुपये में टंकी पर टाइल्स लगेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उदाहरण 2 हुआ आपका। अब एक्सरसाइज के सवाल बता रहा हूँ, 13.1 एक्सरसाइज। तो 13.1 एक्सरसाइज जो है उसमें क्वेश्चन कैसा है, किताब आपके पास होगी, एक बार मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है 101.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है, तो डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? लंबाई तो है इसकी 1.5 मीटर, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 का गुणा करते हैं मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। और चौड़ाई है इसकी 1.25 मीटर, तो इसका होगा 100 का गुणा करेंगे तो 125 सेंटीमीटर हो गया, और इसकी गहराई है 65 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये और ये लंबाई चौड़ाई और गहराई ये आ गया। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए, ये तीनों इकाई एक जैसी करनी है, ये मीटर था इसको सेंटीमीटर बनाया और ये सेंटीमीटर था, अब तीनों इकाई एक जैसी हो गई, ये लंबाई चौड़ाई और गहराई होगी प्लास्टिक के डिब्बे की। अब प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। तो पहले तो प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, डिब्बा बनाने के लिए क्षेत्रफल कितना होगा, पहला ऊपर से खुला रखना है, इसे ऊपर से खुला रखना है, तो भाई ये घनाभ के आकार का डिब्बा है ऐसा समझो, ये है। ठीक है, ये इस टाइप का डिब्बा है, तो ऊपर से कह रहा है ऊपर से खुला रखना है, तो यानी ये बेस बनाना है इसका आधार, और चारों तरफ बनाना है, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये डिब्बे का क्षेत्रफल जो जिसमें प्लास्टिक लगनी है वो आएगा। तो यहाँ देखो डिब्बे का क्षेत्रफल, डिब्बे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल घना, ये घन के आकार का है, घनाभ के आकार का, घनाभाकार डिब्बे के, डिब्बे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ये ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, खुले डिब्बे का डिब्बा क्या है, ऊपर से ढक्कन नहीं है, बिना ढक्कन का,
बिना ढक्कन के डिब्बे का, के घनाकार डिब्बे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो यहां से देखो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तो हो गया डिब्बे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप इसमें मान लगाओगे तो डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। डिब्बे का ये कह रहा आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल बताओ। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है ये, तो इसका पहला इसमें मान लगा दीजिए, दो लंबाई कितनी है 150, चौड़ाई कितनी है 125, ऊंचाई है 65 प्लस लंबाई 150 और चौड़ाई 125, इसका गुणा भाग करेंगे आंसर आएगा। तो यहाँ देखो दो और इसको हमने दोनों को जोड़ा तो 275 और ये 65 का गुणा इधर, और ये देखिए तो ये 150 और 125 ये आया। चलो भाई इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। तो यहाँ देखो दो का गुणा इसमें कर लो तो 275 गुणा 65 दूनी 130, और इसका गुणा करते हैं तो एक जीरो इसका गुणा कर रहे हैं हम, तो जीरो यहाँ आएगा, 15 का 15 पन्ना 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 3 18 ये आएगा। अब इसका गुणा इधर करते हैं तो इसका गुणा करेंगे तो जीरो और 13 पंजे 65 हासिल 6 और 13 सिंह 78, 13 सात 91, 91 और 6 97 हासिल 9 और 13 दूनी 26 और 9 35, तो ये आया इसका गुणा। और इसका गुणा आया हमारे पास 18750, इन दोनों को जोड़ दो तो ये 0, ये 5 और 5 10 हासिल 1 और 7 और 7 14 एक 15 हासिल 1 और 8 5 13 और 1 14 हासिल 1 और 1 और 1 2 और ये 5, तो ये आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिब्बे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधार का ये आया। ये पहला क्वेश्चन है इसका। अब इसका दूसरा, ए इस सीट का मूल्य, यदि एक मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये हो तो पूरा मूल्य बताना है। एक एक मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपये है, तो यहाँ देखो एक मीटर स्क्वायर सीट की कीमत ये 20 रुपये है। अब यहाँ देखिए ये मीटर है और वो सेंटीमीटर है, चलो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आप ऐसे देख लो 100 गुणा 100 स्क्वायर है ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये, तो इसकी कीमत 20 रुपये है, ठीक है। तो इसकी बताओ तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत क्या होगी, एक सेंटीमीटर की 20 बटे 100 गुणा 100 और 54 है ना, ये 54 और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत होगी 54 500 गुणा 20 और बटे 100 गुणा 100, तो दो जीरो से ये दो जीरो कट गए। अब एक जीरो से चलो ये भी काट लो और दो का गुणा इधर करेंगे तो 1090 बटे 10 तो 109 रुपए आएंगे। 109 रुपए में ये है ना प्लास्टिक जो है वो डिब्बा कंप्लीट होगा। 109 रुपए रुपए ठीक है, 109 रुपए। एक बार फिर देख लो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है एक घनाभ के आकार का डिब्बा है बिना ढक्कन का, यानी ऊपर इसके ढक्कन नहीं है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है, तो
तो ये मीटर में दे रखी तो हमने सेंटीमीटर में इसको चेंज किया, तीनों सेंटीमीटर में होंगी जब ही आप सूत्र में मान लगा सकते हो। क्लियर है? तो यहां देखो बिना ढक्कन के घनावाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये जो चीज है ये तो घनावाकार डिब्बे के चारों जो दीवारें उसका क्षेत्रफल है, बक पृष्ठ है ये, घनाव का बक पृष्ठ, और उसमें आधार का क्षेत्रफल जोड़ दिया है क्योंकि ऊपर तो ढक्कन तो है नहीं, तो हमें चारों तरफ और ये जमीन वो देखना है बस। तो इसमें हमने एल बी और एच का मान लगा के हल किया है, ये आया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है एक मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है, तो एक मीटर में यहां से देखो एक मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, और एक मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएंगे तो 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। और अगर यहां क्यूब होता तो 100 100 100 तीन बार गुणा करते, ठीक है ना। तो यहां से देखिए एक मीटर के रेट इतने, तो एक मीटर स्क्वायर 100 × 100 सेंटीमीटर होगा। क्यों लिख रहे हैं हम सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे मान हमने सेंटीमीटर में निकाला है। अब इसकी कीमत हमें मालूम करनी है, तो एक मीटर स्क्वायर सीट की कीमत है 20 रुपये, तो एक मीटर स्क्वायर का मतलब 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी कीमत है 20 रुपये, और एक सेंटीमीटर स्क्वायर की क्या होगी, इसका भाग 100 × 100 का नीचे लगा दो, ये आया, और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत तो क्या होगी, तो इसका गुणा कर दो, तो ये गुणा 20 और बटे 100 × 100, तो 1 2 3 0 तो ये काट दी, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 1090, और 10 से भाग लगाएंगे तो पीछे से ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो 109 रुपये आएंगे, सही है ना। ऐसे आपको 13.1 का पहला क्वेश्चन करना है, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सारे सूत्र आप अच्छी तरह से याद कर लो जब ये क्वेश्चन कर पाओगे, और समझ समझ के आपको क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद अब ये देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.2 का दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो देखो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है हमारे पास 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, ये 5 मीटर है और चौड़ाई है इसकी 4 मीटर और ऊंचाई है इसकी 3 मीटर, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कमरे की है। और ये कह रहा है 1.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों पर, दीवारों तथा छत पर सफेदी कराने का व्यय बताओ। देखो वो ये कह रहा है एक कमरा है घनाभ के आकार का, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी किया है। तो भाई जमीन पे तो पुताई होती नहीं है, जमीन पे सफेदी नहीं होती, चारों दीवारों पे होती है और छत पे होती है, तो चारों दीवारों और छत जिस पे हमें सफेदी करानी है उसका क्षेत्रफल पहले निकालो। तो यहाँ देखो कमरे में सफेदी, कमरे में सफेदी ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल कमरे का, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। भाई इसी पे तो सफेदी होगी, सफेदी जमीन पे तो होती नहीं है, फर्श पे सफेदी थोड़ी होती है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई, और जो छत होती है वो लंबाई चौड़ाई से बनी होती है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये चीज इधर लगा दो, तो यहां देखो 2 और ये 5 + 4 और × 3 + 5 × 4, तो ये आया 2 और ये आया 9 और ये 3 और ये इसका गुणा हो गया 20,
तो 9 × 27 × 54 तो 54 और 20 ये हो गई 74। 74 क्या आया मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्र है जिसपे हमें सफेदी करनी है। अब वो ये कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का खर्चा दे रखा है 50 ₹750। तो यहाँ देखो 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय ये है हमारे पास 750 ₹। तो हमें तो भाई 74 मीटर स्क्वायर पे सफेदी करानी है, तो 74 का निकालेंगे 74 मीटर स्क्वायर का सफेदी कराने का खर्चा। तो 750 × 74 का गुणा कर दो, तो ऐसे गुणा कर लो। आपको वैसे नहीं आता है तो ये 0 × 4 × 5 = 20 हासिल 2 × 4 = 28 + 2 = 30 और 7 × 0 = 7 × 5 = 35 हासिल 3 × 7 = 49 और 3 = 52 और ये 0 × 0 = 5 ये आया। ठीक है, अब वो पीछे से पॉइंट 2 पे लगाएंगे यहाँ, तो ये आएगा 555। तो 555 रुपये में सफ़ेदी हो जाएगी। सफ़ेदी मतलब आप है ना, वो मजदूरी है ये सफ़ेदी जो कर